हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई मुस्लिम धर्म की पवित्र संख्या 786 ओम का ही एक रूप है। हैं? अच्छा, चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर, चलिए शुरू करते हैं। अरे मुझे एक चीज बताओ, वो कौन सी मूवी थी अमिताभ बच्चन की, कुली, वो उस पे यहाँ पे वो पहनता था ना, वो भी यही नंबर तो नहीं था, पता मुझे याद नहीं आ रहा। बहुत बचपन में देखी थी उसको, पता नहीं 700 कुछ करके वो नंबर भी बोलता था इतनी बारी मूवी के अंदर, याद नहीं है। बहुत हिट मूवी थी, कुली थी शायद, उसमें कुली का रोल उसने किया था। तो एनीवे बताना, वही तो नहीं है, वही नंबर शायद को लग रहा है, ऐसे कुछ ध्यान में आ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। 786, ये अंक सुनते ही आपके जहन में किसी की तस्वीर बनती है? नहीं जी हाँ, ओ वो ये कुली अमिताभ बच्चन यहाँ पहनता था वो, हाँ ये ऐसी, ये 786 नंबर का बिल्ला लगाया था। हाँ। जो मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र संख्या माना जाता है। 786 हम लोगों में इसे बहुत मुबारक समझते हैं, जैसे होता है ना वो वैसे ही 786। क्या मतलब है 786? 786 का मतलब है बेटा बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। बहुत मुबारक चीज है बेटा, बड़ी बरकत है इसमें, इस बिल्ले को हमेशा अपने पास रखना। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 786 कुछ और नहीं बल्कि ओम का ही एक रूप है। जानेंगे कैसे? आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म में पवित्र कहानियों और ईश्वर का उल्लेख मिलता है। इन कहानियों में प्रेम, युद्ध, आक्रामकता, आविष्कार, विध्वंस का समावेश रहता है। इन पौराणिक कथाओं में कई चरित्र होते हैं और उनके कई भूमिकाएं ऐतिहासिक है। यह तमाम तथ्य पौराणिक कहानियों को जीवंत बनाते हैं। हिंदू धर्म के पवित्र ओम शब्द में ईश्वर की 100,000 से भी ज्यादा अर्थ समाये हुए हैं। कुछ हिंदू अनुयायियों का मानना है कि मुस्लिम धर्म की पवित्र संख्या 786 ओम का ही एक रूप है, क्योंकि इन दो अलग अलग धर्मों के पथ अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब एक हैं और हमारे ऊपर केवल एक ही सर्वशक्तिमान की छाया है। फर्क बस इतना है कि हमारी भाषा और रीति रिवाज बदल गए हैं। और वैसे भी कौन सा लाखों वर्ष पूर्व कोई इस्लाम धर्म था या कोई क्रिश्चियन धर्म था? केवल एक ही धर्म था जिसका नाम सनातन धर्म है। ईसा मसीह के होने से पूर्व कोई दुनिया में ईसाई नहीं था। मोहम्मद साहब के होने से पूर्व दुनिया में कोई मुसलमान नहीं था। महावीर तीर्थंकरों के होने से पूर्व दुनिया में कोई जैन नहीं था। और गौतम बुद्ध के होने से पूर्व दुनिया में कोई बौद्ध धर्मी नहीं था, बौद्ध पंथी नहीं था। तो क्या था तब? सनातन धर्म था। लेकिन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के होने से पूर्व सनातन धर्म था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से पूर्व राजा दशरथ भी सनातन धर्मी थे। इसका मतलब जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी ये धर्म नहीं है, क्योंकि यह सार्वकालिक नहीं है। मुस्लिम धर्म को मानने वाले और मिस्र के लोगों का मानना है कि 786 अंक बहुत पवित्र होता है, यह उनके लिए भाग्यशाली अंक है। क्यों भाई? दूसरे अर्थों में कहें तो इस अंक को वो बहुत ज्यादा बेमिसाल मानते हैं। 786 अंक को सांकेतिक प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाता है। मुस्लिम धर्म के लोगों का मानना है कि इस अंक की उत्पत्ति इस्लाम धर्म में हुई है। हालांकि क्या हुई है? इस्लाम में पवित्र 786 की उत्पत्ति और महत्व का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। नंबर उससे हुआ है। बिस्मिल्लाह, क्या मतलब? यानी अल्लाह के नाम के स्थान पर इस अंक का उपयोग करने की प्रवृत्ति है। इस अंक का प्रचलन मोहम्मद पैगंबर के समय से नहीं है। कहते हैं कि यदि बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम को अरबी या उर्दू भाषा में लिखा जाए और उन शब्दों को जोड़ा जाए तो उनका योग 786 आता है। इसलिए लोगों को अल्लाह के नाम का संबोधन देने के लिए एक विकल्प के रूप में 786 का पवित्र अंक उपयोग करने की सलाह दी गई। तो समझ नहीं, इस्लाम धर्म विज्ञान को नहीं मानता, इसलिए कुछ मुस्लिम लोग मानते हैं
लोगों की अल्लाह की इबादत करने के लिए इस अंग को संलग्न किया गया है। सनातन धर्म के मुताबिक 786 का मतलब ओम होता है। राफेल पताई अपनी पुस्तक द जीविस माइंड में बताते हैं कि तंत्र और गुलामी की दास्ता के बीच यह संसार रहता है। कुरान की सभी अरबी प्रतियों पर अंकित रहस्यमय अंक 786 है। अरबी विद्वानों ने परमात्मा के रूप को इस विशेष अंक का चुनाव निर्धारित कर इसे ईश्वर के समान दर्जा दिया है। अगर इस जादुई संख्या को संस्कृत में लिखा जाए तो ओम जादुई संख्या 786 दिखाई देगा। आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और 786 में क्या संबंध है। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी के 7 छिद्रों से 7 स्वरों के साथ हाथों की 3-3 उंगलियों यानी 6 उंगलियों से बांसुरी बजाकर गांवों को मंत्र मुक्त कर दिया था। 7 छिद्रों और 7 स्वरों वाली बांसुरी को देवकी के 8वें पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 6 उंगलियों से बजाकर समस्त चराचर को मंत्र मुक्त कर दिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण और 786 अंक 1, 2, 3, 4 मुस्लिम धर्म में बाकी हिंदू धर्म में भी है, यानी 7 छिद्र, 8वें अवतार और 6 उंगलियां हो गया ना 786। बाकी तो अंक ज्योतिष के अनुसार 786 को अगर परस्पर जोड़ते हैं तो 7 + 8 + 6 कुल मिलाकर 21 होता है। 21 को भी परस्पर जोड़ा जाए तो 2 + 1 यानी 3 अंक हुआ, जो कि लगभग सभी धर्मों में अत्यंत शुभ एवं पवित्र अंक माना जाता है। 3 पवित्र माना जाता है। 3 अंक का मतलब होता है त्रिदेव, 3 उच्च महाशक्तियाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश। अल्लाह पैगंबर और नुमाइंदे की संख्या भी 3 तथा सारी सृष्टि के मूल में समाये प्रमुख गुण सत्य रज और तम भी 3 ही है। अर्थात हिंदू धर्म एवं मुस्लिम धर्म में ये दोनों धार्मिक प्रतीक मिलते जुलते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि 786 भी सनातन का ही प्रतिरूप है। जी हाँ, सनातन धर्म से ही इस्लाम धर्म में इसे अपना लिया गया है। वैसे भी अगर देखा जाए तो इस्लाम धर्म का प्रमुख धर्म स्थल जिसे मक्का मदीना कहते हैं, वहाँ पर सनातन की सारे नियमों और सारी विधियों का पालन होता है। ये आप सभी को पता है कि सनातन धर्म में अगर कोई पूजा पाठ होता है तो हम धोती धारण करते हैं, और ठीक उसी तरह मक्का मदीना में भी लोग धोती धारण करते हैं, वो भी बिना सिला हुआ। हमें पता है कि सनातन धर्म में हम मंदिरों की परिक्रमा करते हैं। मैं वही बोल रही थी, ये भी वैसे ही कर रहे हैं। ये भी मक्का मदीना में परिक्रमा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस्लाम धर्म के लोग ये जानते हैं कि उनके पूर्वज सनातनी हिंदू थे, और आज भी कहीं ना जानते तो नहीं है मगर इस बात को मानते हैं। दोस्तों वैसे आपका क्या कहना है 786 के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इंटरेस्टिंग था, मैं तो मेरे समझ नहीं आया कि 786 और ओम मतलब का कनेक्शन कैसे, और उन्होंने कुछ को पता नहीं किया भी था, वो मेरे समझ में नहीं आया। पर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो देख रहे हो, उन्होंने ये भी बताया कि जैसे धोती पहनते हैं खास वहाँ पर, और वो भी अनस्टिच्ड, बिना सिली हुई बिल्कुल, मतलब खाली कपड़ा, उसमें कोई सिलाई विलाई नहीं, वो करते हैं, फिर परिक्रमा कर रहे हैं। वो तो मैं भी सोच रही थी कि वैसे तो ही अगर आप देखो तो ऐसे परिक्रमा करने का तो और कहीं रिचुअल है ही नहीं। अगर आप देखो इनके में मस्जिद में जाते हैं, अपना नमाज पढ़ते और आ जाते हैं, पर यहाँ पे वही परिक्रमा में वो कहते हैं, हम भी लोग जब जैसे करते हैं, जैसे हमारी शादियां भी होती हैं, 7 फेरे लेते हैं, उस टाइप का ये कौन सा रिचुअल इतना अलग से ये कर रहे हैं। और वो धोती भी पहनना, इनको कभी देखा है वैसे धोती वोती पहने हुए नहीं, पर वहाँ पे वो पहनते हैं। तो बात तो है, कोई पता नहीं कि उसी के कनेक्शन से, हमारे ही सनातन धर्म से ये निकला है, पर लोगों ने जैसे से टाइम पास हुआ उसको इतना ऐसे गलत मलत साला को कुछ गड़बड़ कर दी होगी सारी, और उस वजह से उसका एक्चुअल जो कोर था वो इन्होंने खराब कर दिया हो, मेरा तो यही मानना है। पर देख कर ये
काफी लगा ओम एंड दिस वायर। तो चलो अगर आपको कुछ ज्यादा नॉलेज हो इस बारे में तो जरूर शेयर करना। चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।